हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द इन्फो स्टोर हाउस। और आज की सारी इन्फॉर्मेशन है ये छोटे गंदे कीड़ों के नाम पर। मिली बग्स नाम के छोटे छोटे वाइट कलर के कीड़े होते हैं जो हमारे प्लांट्स में हमें अक्सर दिखाई देते हैं। ये बहुत ही कॉमन बग है जो हमारे प्लांट्स को बिल्कुल डैमेज कर देता है, बिल्कुल उसके लीव्स को खा जाएगा। कई तरह के कीड़े आज मुझे भी अपने टेरेस गार्डन में दिखे, जैसे कि मैंने आपको मीलीबग दिखाया जो कि हिबिस्कस के ऊपर बहुत कॉमनली लगता है। कुछ ब्लैक एफिड्स भी मुझे आज दिखे और ये छोटे छोटे से सफ़ेद रंग के कीड़े मेरे को आज दिखाई दिए अपने प्लांट्स में, जिसको देखकर मैं सच में डर गई थी कि मेरे प्लांट्स तो अब धीरे धीरे ख़राब हो जाएंगे। बहुत छोटे छोटे कीड़े हैं और ये ज़्यादातर मैंने देखा है कि या तो हिबिस्कस प्लांट्स में लगते हैं या फिर जितने भी मेरी लेडी फिंगर के प्लांट हैं उनमें लगते हैं। लेकिन ये कीड़ों का होना हमारे प्लांट्स के लिए बहुत हार्मफुल है, सो इसको जितनी जल्दी से जल्दी हम हटा सकते हैं उतना ही अच्छा है। इसके लिए जो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है बिल्कुल एक ऑर्गेनिक और बिल्कुल ही फ्रेंडली, बहुत ही अच्छा एक पेस्टिसाइड जो हम बहुत ईजीली बना सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है। नीम ऑयल जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, डजंट मैटर। एक कोई भी शैम्पू या सर्फ या कोई भी सोपी लिक्विड हमें लेना है और लेना है बॉटल में पानी, बस दैट्स इट। इन 3 सिंपल चीज़ों से हमारा बहुत ही अफेक्टिव पेस्टिसाइड बन के तैयार हो जाता है। कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है, बच्चों की पहुंच से दूर रखने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती, बहुत इजी है इसको बनाना। देखिए मैं आपके लिए बना के दिखा रही हूँ, इसको बहुत सिंपल तरीके से बनाना है। 1 स्पून हमने इसमें नीम ऑयल लिया है, ये 1 बॉटल के अकॉर्डिंग है। 1 स्पून नीम ऑयल लेना है। 3 बॉटल मैंने बनाया था क्योंकि मैं जब पेस्टिसाइड स्प्रे करती हूँ तो मैं सारे ही प्लांट्स में एक साथ कर देती हूँ और हर 15 दिन में ये स्प्रे हो जाता है। इसके लिए आपको सिर्फ 1 स्पून पर बॉटल इसको यूज़ करना है। अब मैंने 3 बॉटल में बनाया था, तीनों बॉटल्स में मुझे एक एक चम्मच नीम ऑयल डालना है। मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि ऑयल जो है वो, जैसा कि जानते हैं कि वो पानी में मिक्स नहीं होगा इजीली, सिर्फ इसीलिए हमें शैम्पू या कोई भी लिक्विड सोप का यूज़ करना पड़ता है, जो कि वो भी बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए। ये भी मैंने 1 स्पून के अराउंड लिया, नहीं तो हाफ स्पून भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी सेम प्रपोर्शन में मैंने तीनों बॉटल्स में ऐड कर दिया। बहुत इजी है ये बनाना, वेरी सिंपल। आप कभी भी किसी भी टाइम इसको बना के स्प्रे कर सकते हैं। इसको कोई नेसेसरी नहीं है कि बच्चों का हाथ ना लग जाए या प्लांट से दूर रहना है या मास्क बांधना है या ग्लव्स पहनने हैं, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल है बनाना भी और इसको यूज़ करना भी। इसको अच्छे से मिक्स कर देना, वो जो हमने सोपी लिक्विड इसमें ऐड करा है वही है जो ऑयल को अच्छे से पूरे वाटर में मिक्स कर देगा। नीम ऑयल अब इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है और बिल्कुल इसी तरह से मुझे बाकी की बॉटल प्रिपेयर करनी है। तो अब चलिए अब इस पर स्प्रे करते हैं सारे अपने मीली बग्स और जितने भी कीड़े हमारे प्लांट्स में लगे थे। इसमें हर तरह के कीड़ा मर जाता है, मतलब मैक्सिमम तो ये बहुत यूज़फुल है। मैं आज से नहीं, मैं बहुत टाइम से इसी पेस्टिसाइड को यूज़ कर रही हूँ। सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, मुझे ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कोई बच्चा इसके आसपास ना हो या मुझे मास्क लगाना है या मुझे इससे बहुत दूर रहना है, दूर से स्प्रे करना है, थोड़ा भी इनहेल हो गया तो क्या होगा। मुझे ऐसी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और बहुत अफेक्टिव है ये पेस्टिसाइड। किसी भी तरह के प्लांट में डाल सकते हैं, क्वांटिटी कोई ऐसी मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है कि इतना ही डालना है, थोड़ा डलेगा या ज़्यादा, ऐसी किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी। फ्रेंड्स आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और इफ़ेक्ट देखना, इसका इफ़ेक्ट बहुत बहुत अच्छा आता है। आप मुझे ज़रूर बताना इस कमेंट सेक्शन में कैसा रहा।
तब तक के लिए गुड बाय, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय।